हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अलबेला जी और आप देख रहे हैं अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो इमामगंज। यहाँ मिक्सिंग सिखाया जाता है। पिछले मैं करीबन 15 दिन पिछले मैं एक वीडियो बनाया था आप लोग को, जो कि ऑटो ट्यून स्केल बीपीएम का जानकारी का, कि मैं बीपीएम कैसे लगाऊँ, कौन सी इफेक्ट में, कितना स्पीड का टेम्पो में मैं कौन सी ऑटो ट्यून चिपकता है, स्केल लगता है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं बीपीएम का सीख लेते हैं फटाफट। आप लोग कलम कॉपी निकालिए और स्केल सीख लीजिए, क्योंकि ट्यूटोरियल वीडियो बनाने से नहीं, उसका जानकारी रखना आपको माइंड में याद होगा, लिख लीजिएगा तो ठीक है। तो चलिए आज हम बताएंगे, यानी 70 से स्पीड लेकर 120 के स्पीड तक की कौन कौन सी ऑटो ट्यून स्केल में लगाया जाता है सिंगर का वॉइस वोकल में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले देख रहे कि 180 यानी 70 या 80 का भी स्पीड में रहेगा तो आपको जो मैं लगाने बताने जा रहा हूँ वो आपको लगेगा। तो मेरा है यानी 102 का, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 70 से लेकर, लिखिएगा 70 से लेकर 105 के स्पीड में कोई अगर आपके फास्ट ट्रैक आता है, ठीक है, तो आपको आंख मूंद कर लगाना होगा एफ माइनर या मोजर, ठीक है। लिखिएगा एफ माइनर या मोजर। फिर से दोबारा सुन लीजिए, 80 का स्पीड से लेकर 70 या 80 के स्पीड से लेकर 105 के स्पीड में अगर गान ट्रैक कोई आपके पास बीपीएम का आता है तो एफ माइनर या मोजर लेगा। तो हमने इसमें लगा रखा हूं एफ माइनर मोजर, देख लीजिए। गबना करा के लाया हिलाया नहीं खटिया, लगाता हेराई गोइल एकरो तमतिया, कभी मेरे मन के किया ही नहीं, कभी मेरे मन के किया ही नहीं। लहंगा उठाया लखनऊआ हो, लहंगा उठाया लखनऊआ भतार साला लिया। तो ये मेरा था आपका 70 का स्पीड से लेकर 105 के स्पीड में आपको एफ माइनर या मेजर लगाना होगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो हम लोग लिख लिए, आप लोग लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। इसके बाद मान लिया कि मेरे पास 110 का स्पीड का ट्रैक आ जाता है, ठीक है। चलिए मैं यहां पे मान लिया कि आपको 110 का स्पीड है, याद रखिएगा 102 का था ना, तो मान लिया कि यहां पे 110 का स्पीड का बीपीएम का ट्रैक आपको आ जाता है, ठीक है। 1 मिनट, 110 का, तो 110 का है तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, तो यहाँ पे आपको सीधे ऑटो ट्यून यहाँ से चेंज हो जाएगा बीपीएम, ठीक है। यहाँ से आपको सीधे लगा लेना होगा ए सर्फ माइनर या मेजर, हम लोग देख लेते हैं। करा के लाया हिलाया नहीं खटिया, लगाता है राई गोइल एकरो तमतिया, ए सखी गबना करा के लाया हिलाया नहीं खटिया, ठीक है। ए लग जाएगा। अब मानिए कि 110 या 120 का आया तो 20 तक आपको एफ माइनर मेजर लगाना होगा, ठीक है। माइनर या मेजर, एफ एफ सर्फ माइनर लगा लीजिएगा, माइनर या मेजर, ठीक है, ए लगेगा। इसके बाद मान लिया कि मेरे पास आ गया सीधे ट्रैक 130 से लेकर 150 के बीच में, यानी 100 ए आपको लगाना होगा, 110 से लेकर 120 तक आपको एफ माइनर या एफ ए सर्फ मेजर लगेगा, ए सर्फ माइनर या मेजर, ठीक है। अब मान लिया कि मुझे आ गया 130 से लेकर 150 के बीच में, यानी 130 से लेकर 150 के बीच में मेरा कोई ट्रैक आ गया, ठीक है, बीपीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधे लगाना होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सीधे आपको लगा लेना होगा सी सर्फ माइनर या मेजर, या सी माइनर या मेजर, ठीक है। ये अपना देख लेना होगा, ये आपको यहाँ तक आपको ऑटो ट्यून लगाइए, आपको दिक्कत ना होगा। उसके बाद 150 के बाद यानी मान लिया कि तो नहीं लग रहा, तो हम सर्फ लगा लेंगे। सर्फ लगाने के बाद अपना हिसाब से आपको देख लेना होगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना, ये उस मूड का गाया हुआ 102 का मूड का, तो भाई दिक्कत तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उस मूड को ओ आप बीपीएम सेट करिएगा, ट्रैक सेट करिएगा, तुम लड़का का उस मूड म्यूजिक से चलता है, ठीक है।
तो म्यूजिक से चलेगा था गाने का, आपको एकदम चिपक जाएगा। ठीक है, तो चलिए मान लिया कि मेरे पास आ गया 130 से यहाँ तक 150 मैंने बताया, अब मान लिया कि 160 का स्पीड का मेरे पास ट्रैक आ गया। ठीक है, 160 का स्पीड का ट्रैक मेरे पास चला आया, 160 या 170 या 171 का, तो आपको सीधे यहाँ से BPM चेंज होगा, यहाँ से आपको लगा लेना होगा डी माइनर या मेजर या डी शार्प माइनर या मेजर। आपको मैंने बताया 70 से लेकर 160 तक BPM लगाने का तरीका। ठीक है, इसके बाद इस तरीका का लगाई, इसके बाद मैं अगला नेक्स्ट में बताऊंगा इसके आगे ऑटो ट्यून का स्केल लगाने का भी, जी सर्फ माइनर मेजर है, ई माइनर मेजर है, और बहुत से अभिषा है जो आप लोग का मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऑटो ट्यून का स्केल बताऊंगा आपको, जो मैं ये बताया हूँ ये आप लोग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।